चलिए, तो आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। और मैंने आज अपने YouTube के कम्युनिटी में एक मैंने क्वेश्चन डाला था, और वो क्वेश्चन यह था कि मैंने लिखा था कि 25% का वर्गमूल ज्ञात करें, जिसमें से आप देख सकते हैं कि 4% मारे हैं, 15% लोग सही, 3% बेकरी परसेंट नहीं है, 5% लोग कितना मारे हैं, आपका 69% 5% सही मारे हैं, और 15% मात्र 15% ही लोग मारे हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सी प्रश्न आपका सही, कौन सी उत्तर इसमें आपका सही होगा। तो चलिए, इस प्रश्न को हम सारे लोग को सिखाने की मैं कोशिश करता हूं, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सारे विद्यार्थी क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से सीख भी जाओगे। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 25% का वर्गमूल ज्ञात करें। तो जब 25% का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 25% का वर्गमूल निकालना है, तो 25 और बटा में कितना हो जाएगा, चला 100 हो जाएगा। बताइएगा, 25% का वर्गमूल निकालना है तो इसको क्या कर दिया, ओवर रूट कर दिए, और बटा में मैंने क्या कर दिया, आपका 100 कर दिया। देख सकते हैं 25 का वर्गमूल कितना, 5, और 100 का वर्गमूल कितना, 10। ठीक है, और जब इसको आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, चला 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसको प्रतिशत के रूप में लाना है तो क्या करोगे, 100 से आप गुना कराओगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 50% इज द क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमारे मात्र और मात्र 15% लोग सही किए हैं, बाकी आपका 69% और 15% को जोड़ लीजिए कि कितना लोग गलत हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सवाल को सीखे होंगे। यदि मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, और दोस्तों में सारे दोस्तों को बता देंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे विद्यार्थियों को।